नमस्कार, एनडीटीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ रितु सिंह। बोलने से बदलेगा, जी हां, बात महिलाओं की सुरक्षा की हो या दूसरी मुश्किलों की, समाज और आपसे जुड़े मुद्दों पर हम दोपहर 2 बजे लगातार आप दर्शकों से बात करते हैं। हम लगातार ये कहते रहे हैं कि आप बोले, जी हां, आप बोले, दमदारी से अपनी बात रखे, क्योंकि बोलने से ही बदलेगा। कोलकाता की बर्बर घटना पर डॉक्टर्स आप लोग के साथ साथ अलग अलग फील्ड के सेलिब्रिटी भी खुलकर सामने आ रहे हैं, विरोध जता रहे हैं और चारों तरफ से उठ रही है एक ही आवाज, उम्मीद की, और वो उम्मीद बंधा भी रही है। जी हाँ, आज हम फिर आप दर्शकों से कहेंगे कि आप भी बोले, क्योंकि बोलने से ही बदलेगा। हमें कॉल करें, हमारा नंबर लगातार टीवी स्क्रीन पर फ्लैश होता रहेगा। आप इस पर कॉल करके अपनी राय भी रख सकते हैं, आपको बोलना भी होगा, क्योंकि देखिए एक बेटी का सवाल है और इस बेटी के लिए हम सभी को आगे आना होगा, हम सभी को खड़ा होना होगा। लेकिन देखिए, बातचीत शुरू करने से पहले आइए सबसे पहले अभिनेता आयुष्मान खुराना की वो कविता सुन लेते हैं जो उन्होंने कोलकाता की घटना पर पढ़ी है, जरा सुनिए। मैं भी बिना कुंडी लगाकर सोती, काश मैं भी लड़का होती, झल्ली बनकर दौड़ती उड़ती, सारी रात दोस्तों के साथ फिरती, काश मैं भी लड़का होती। कहते सुना है सबको कि लड़की को पढ़ाओ लिखाओ, सशक्त बनाओ, और जब पढ़ लिख कर डॉक्टर बनती, मेरी माँ ना खोती उसकी आंखों का मोती, काश मैं भी लड़का होती। 36 घंटे का लगातार कार्य दुश्वार हुआ, बहिष्कार हुआ, बलात्कार हुआ, पुरुष के वहशीपन से साक्षात्कार हुआ, काश उन पुरुषों में भी थोड़े से स्त्रीपन की कोमलता होती, काश मैं ही लड़का होती। कहते हैं सीसीटीवी नहीं था, होता भी तो क्या होता, एक पुरुष सुरक्षाकर्मी जो उस पर नजर रखता, उसकी नजर भी कितनी पाक होती, काश मैं एक लड़का होती। अगर मैं एक लड़का होती शायद आज मैं जिंदा होती। तो आयुष्मान खुराना की एक कविता आप सुन रहे थे। कोलकाता में जो लेडी डॉक्टर के साथ रेप हुआ है, उसके बाद देखिए देश भर में नाराजगी है। क्या नेता, क्या अभिनेता, सेलिब्रिटीज, हर कोई इसके लिए आगे आ रहा है, अपनी बात रख रहा है। जैसा कि हम बार बार कह रहे हैं कि बोलने से ही बदलेगा, बोलना पड़ेगा ताकि इस तरह की घटनाएं दोबारा ना हो। क्योंकि देखिए कोलकाता में जो घटना हुई उसके बाद भी हमने देखा कि देश में, चाहे आप उत्तराखंड की बात करें, मध्य प्रदेश की आप बात करें, आज ही ग्वालियर से हमने देखा कि मामला सामने निकल कर आया कि एक नाबालिग के साथ रेप कर दिया गया, राजस्थान से भी मामला निकल कर आया। आखिर ये घटनाएं रुकेंगी कब? ये तब रुकेंगी जब हम बोलेंगे, जब हम एक साथ खड़े होंगे, हम स्टैंड लेंगे। इसी पर आज हम चर्चा करेंगे, क्योंकि ये चर्चा भी जरूरी है। और एक बार चर्चा शुरू करने के पहले मैं आप सभी दर्शकों से अपील करूंगी कि जो भी इस शो को देख रहे हैं वो हमें कॉल जरूर करें, अपनी राय रखें, क्योंकि बोलने से ही बदलेगा। चलिए मेहमानों से परिचय करवा दें। डॉक्टर वैष्णवी अग्रवाल हमारे साथ जुड़ गई है, जो कि रेजिडेंट डॉक्टर एम्स भोपाल की। दर्शन कौशिक जी हमारे साथ जुड़ गए, जो कि एडवोकेट है। डॉक्टर एला गुप्ता जुड़ गई है, जो कि साइकोलॉजिस्ट है। शीना चौहान जुड़ गई है, जो कि ह्यूमन राइट्स की ब्रांड एम्बेसडर भी है। और सबसे पहले मैं आना चाहूंगी दर्शन कौशिक जी के पास, जो कि एडवोकेट है। दर्शन जी, ये जो मामला सामने आया कोलकाता का, उसके बाद भी तो देखिए घटनाएं रुक नहीं रही हैं। उत्तराखंड के देहरादून से हमने मामला देखा, उसके बाद मध्य प्रदेश से आज फिर एक मामला सामने निकल कर आया, राजस्थान से मामला सामने निकल कर आया। तो आखिर ये घटनाएं रुक क्यों नहीं रही हैं? आखिर कानून का जो खौफ है वो अपराधों में क्यों नहीं बचा है? दर्शन जी, दर्शन जी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? चलिए दोबारा जुड़ने की कोशिश करेंगे। चलिए दोबारा जुड़ने की कोशिश करेंगे। डॉक्टर एला गुप्ता भी हमारे साथ जुड़ी हैं, जो कि साइकोलॉजिस्ट है। एला जी, साइकोलॉजिस्ट के तौर पर मुझे लगता है कि आप बेहतर तरीके से समझ सकती हैं कि जब इस तरह की घटनाएं होती है तो लड़कियों के मन में किस तरह की मनस्थिति होती है, और ऐसे में जरूरत है कि बदलाव हो, और अब बिल्कुल समय है कि यहाँ पर बदलाव होना ही चाहिए। नमस्कार सभी दर्शकों को। ये बहुत ही सीरियस चीज आपने पूछी और बहुत ध्यान देने वाली है कि लड़कियों की मन स्थिति उस वक्त कैसी होती है।
बहुत कमज़ोर होती है, जब किसी भी लड़की के साथ होता है वो अकेली होती है, और इस स्थिति में चाहे मैं हूँ, चाहे आप हैं, चाहे अकेला कोई लड़का भी है, ऐसा नहीं है लड़कियों के साथ, लड़का भी है तो वो भी डर जाएगा, और डर के उसमें कभी कभी हमारी जो प्रेजेंट टेंस होता है, मतलब जो हमें उस वक्त करना चाहिए वो हम नहीं कर पाते हैं। तो ये मैं कहूंगी कि कोई भी महिला, कोई भी स्त्री, कोई भी बच्ची डर जाएगी उस सिचुएशन में, तो ये तो पूछने का प्रश्न ही नहीं उठता। बट हाँ, हमें ये सोचना चाहिए कि अब हम इसका बदला या हम इसको किस तरह से इन स्थितियों को निमटे, क्योंकि समाज में लड़कियां भी होंगी और लड़के भी होंगे, और अगर लड़कियां होंगी तो लड़कों की नज़र उसमें जाएगी, तो उसको हम किस तरह से वो गंदी नज़रों को रोकें। तो एक मनोवैज्ञानिक तरीका होता है कि सामने वाला अगर हमारी बात को नहीं बन समझ पा रहा है तो हम अपने आप को सक्षम बनाएं, हमें समझाना पड़ेगा। तो हर समाज में, हर घर घर में या स्कूल या कॉलेज में मेरा सजेशन ये है कि स्टार्टिंग से ही, जैसे हम बच्चे को नर्सरी में डालते हैं ना, तो मैं ये नहीं कहूंगी लड़के को नहीं, दोनों बच्चों को, दोनों सेक्स, पुरुष भी और स्त्री भी, छोटे बेबीज को सबसे पहले हम गुड टच और बैड टच सिखाएं, और दूसरी चीज उनको हम अपने आप को कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं किसी भी स्थिति में, हमें दोनों बच्चों को सिखाना चाहिए। और उसका लेवल उनकी उम्र के अनुसार, जैसे नर्सरी का बच्चा है, फिर क्लास 1 का बच्चा है, क्लास 5, तो वो बच्चा लंबा हो रहा है, ताकत आ रही है उसके बॉडी में, उसी अनुसार उसकी जो फाइटिंग और अपने को बचाने के तरीके में सुधार आगे बढ़ते जाना चाहिए। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये चीज़ बहुत ज़्यादा काम आएगी, क्योंकि कल एक मैं सोशल मीडिया पे वीडियो देख रही थी, तो एक छोटा सा भाई अपनी बहन को कह रहा है मार मुझे थप्पड़, जोर से मार, वो बहन बहन नहीं मार पाती है, हम नहीं मार पाते हैं, हम नहीं लड़ पाते हैं, क्योंकि हमें प्रैक्टिस की जरूरत है। तो ये प्रैक्टिस कैसे आएगी? आप सबको याद होगा हमें पीटी कराई जाती थी, हमें मार्च पास कराई जाती थी स्कूलों में, तो हमें आज तक हम वो चीज़ कर लेते हैं। हमें साइकिल चलानी सिखाई जाती है, हम साइकिल किसी भी उम्र में चला लेते हैं। तो उसी प्रकार हमें डिफेंस मैकेनिज्म क्लास 1 से लड़कियों को 12वीं तक जरूर एक पीरियड होना चाहिए जहां पर इस प्रकार की हमें शिक्षा मिले। तो जो लड़की को रोज, अगर हफ्ते में 3 बार भी वो पीरियड होता है, तो उस प्रकार से लड़की रेडी है अगर इन केस वो किसी अननोइंग सिचुएशन में फंसती है, तो उसका हाथ चल पाएगा। अदरवाइज मेरी और आपके जैसी लेडीज हैं, या ये यंग लड़कियां जिनको मैं देख रही हूँ स्क्रीन पे, डॉक्टर अग्रवाल हैं, कौशिक जी हैं, मैम चौहान है, दे आर ऑल यंग, हमको थप्पड़ मारने में भी सोचना पड़ेगा और हमारे हाथों में उतना वजन नहीं रहेगा। बट अगर हम वो चीज को प्रैक्टिस करेंगे स्कूलों में, तो हमारे को हमारा जी बॉडी, हमारा रिएक्ट करने का तरीका वैसा होगा, और हम श्योर होंगे कि अगर कोई गलती से कर रहा है तो हम अपने हाथ को यूज कर सकते। चलिए शीना जी के पास मैं जाना चाहूंगी। शीना जी, यहाँ पर हम किसी भी तरह की नेगेटिविटी की बात नहीं करेंगे, लेकिन ये जो विरोध हो रहा है, आखिर इस विरोध की अगर मैं बात करूं, जैसे कई दफा ये भी कहा जा रहा है कि डॉक्टर्स विरोध क्यों कर रहे हैं, क्योंकि मरीज परेशान हो रहा है, लेकिन आप ये भी तो समझने की कोशिश कीजिए ना कि जिसके बेटे के साथ हुआ है उनके परिजनों के क्या कुछ हालात होंगे, वो किस तरीके की स्थिति से गुजर रहे होंगे। विरोध यहाँ पर जरूरी भी है, क्योंकि अगर बदलाव लाना है तो इस तरह का विरोध हमें करना ही पड़ेगा। शीना जी जी, एकदम सही बोला आपने, हमें विरोध करना पड़ेगा, और ये विरोध हम तभी कर पाएंगे जब हम समझेंगे कि इशू कहाँ से स्टार्ट हुआ। मेरे को ये बहुत ही मैं बहुत स्ट्रांगली बिलीव करती हूँ कि आज के दौरान द मेन इशू जो हमारी लाइफ एज अ वुमेन को बहुत ही अनसेफ बनाता है और बहुत ही हार्ड बनाता है, वो है सेफ्टी फॉर वुमेन, जो हम डिस्कस कर रहे हैं। अब वुमेन की जब हम बात करते हैं तो डिस्क्रिमिनेशन में भी, बात भेदभाव में भी, काफी इश्यूज हैं जिसको हम टच करते हैं। ये डिस्क्रिमिनेशन जो माइंडसेट है, ये भेदभाव जो माइंडसेट है हमारा, वो वुमेन के लिए ये इन्वायरमेंट को अनसेफ बनाता है मुझे लगता है। और सोल्यूशन
कि जब हम बात करते हैं, क्योंकि प्रॉब्लम, देखिए प्रॉब्लम पे तो हम सब फोकस कर सकते हैं कि प्रॉब्लम क्या है अभी, लेकिन सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन लाइज इन एजुकेशन एंड इक्वल अपॉर्चुनिटीज, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज हमें ये समझना है कि हमें एजुकेट करना है. किनको एजुकेट करना है? वी हैव टू एजुकेट द यूथ, वी हैव टू एजुकेट द बॉयज टू गिव रिस्पेक्ट टू विमेन, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे जो, जब हम इशू, ये इशू की सेफ्टी के बारे में बात करते हैं, तो इसको हम टैकल कैसे करें, हम इसको सॉल्व कैसे करें, क्योंकि ये तो हो गया, ये मुद्दा हो गया, इस पर हम बात कर सकते हैं कि क्या है, कैसे हुआ, हर हर पॉइंट ऑफ व्यू से. और बहुत अच्छी बात कही आपने सबसे पहले कि वी हैव टू रेज आर वॉइस. जी हाँ, एकदम आई अग्री विद दैट, लेकिन वी हैव टू टीच बॉयज टू रिस्पेक्ट. और कैसे हम ये सिखाएंगे उनको? बाय स्प्रेडिंग अवेयरनेस ऑफ बेसिक राइट्स एंड इक्वालिटी. क्योंकि अगर हम मैंडेटरी ह्यूमन राइट्स एजुकेशन स्कूलों में लाते हैं एट अ वेरी बेसिक एज, क्योंकि माइंडसेट से ही ये प्रॉब्लम आती है. क्यों, इनका माइंडसेट क्या है जो ये ऐसे क्राइम्स कर रहे हैं? कैलकटा में, मैं भी कैलकटा से हूँ, बॉम्बे में रहती हूँ, लेकिन मुझे लगता है मैं दिल्ली जाती हूँ, वहां पर कैलकटा में रात को हम 10 बजे के बाद नहीं जा सकते. लाइक इट इज अ माइंड सेट. तो इंक्लूडिंग मैंडेटरी ह्यूमन राइट्स एजुकेशन इन स्कूल्स इज द सोल्यूशन. और ह्यूमन राइट्स की जब हम मानव अधिकार के बारे में बात करते हैं, कि बेसिक जो हमारी डिसेंसी माइंडसेट कैसे हम क्रिएट कर सकते हैं, डिसेंट सोसाइटी को कैसे हम आगे फ्यूचर जो हमारी जनरेशन आ रही है उनको हम समझाएं कि ह्यूमन राइट्स को समझना मतलब कि इक्वालिटी क्या है, फ्रीडम ऑफ स्पीच के बारे में, जब नो टॉर्चर के बारे में करते हैं, भेदभाव नहीं होना चाहिए. तो जब हम बेसिक मैंडेटरी ह्यूमन राइट्स एजुकेशन को स्कूलों में लेके आए या उसके लिए हम इनिशिएटिव क्रिएट करें, तो मुझे लगता है कि हर स्कूल्स में, जो मेरा आज का मेन कैंपेन भी है जिसके लिए मैं 10 साल से काम कर रही हूँ, टू मेक मैंडेटरी ह्यूमन राइट्स एजुकेशन इन स्कूल्स, टू टीच बॉयज टू गिव रिस्पेक्ट टू गर्ल्स एंड टू ट्रीट देम एज इक्वल, दैट वे, दैट इज द वे मुझे लगता है कि ये रेप का जो माइंड सेट है वो सॉल्व हो सकता है फ्यूचर में बाय एजुकेटिंग बॉयज टू रिस्पेक्ट गर्ल्स. तो ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है. चलिए वैष्णवी जी के पास मैं जाना चाहूंगी, खुद भी डॉक्टर है वैष्णवी जी. वैष्णवी जी, एक डॉक्टर के लिए हम यही कहते हैं कि भगवान होता है जो जिंदगी बचाता है, लेकिन आज की बात की जाए, जो घटना है उसके बाद उन्हीं की जिंदगी कहीं ना कहीं खतरे में है, क्योंकि वो जो डॉक्टर्स है वो आज के समय में यही महसूस कर रहे हैं इस घटना के बाद. आखिर किस तरह के वो हालात होते हैं जिनमें बदलाव की जरूरत आप महसूस करते हैं जब डॉक्टर्स ड्यूटी पर होते हैं, खासतौर पर महिला डॉक्टर्स की अगर मैं बात करूँ तो? वैष्णवी जी देखिए, ये जो मुद्दा है ये सिर्फ महिलाओं डॉक्टर्स की सुरक्षा नहीं, हर डॉक्टर की सुरक्षा के लिए है. क्योंकि कहीं ना कहीं जब कोई भी पेशेंट कोई इमोशनल स्ट्रेस और जो भी उनको फिजिकल कंफर्ट में आता है, डिस्कम्फर्ट में आता है, तो ऐसे में उन लोगों को ये चीज समझनी होगी कि हम लोगों को शारीरिक रूप से या हम लोगों को कुछ कह के, कोई भी ऑफेंस हमारे अगेंस्ट करके, उनके लिए ये करना सही नहीं होगा. और ना ही इस चीज की एक्सेप्टेंस अब सरकार उनको अलाउ करेगी. तो ये जो सारी प्रोटेस्ट हो रहा है, जो भी सारा स्ट्राइक का डिमांड है, अल्टीमेटली यही चीज के लिए आ रहा है कि अब और नहीं, अब इस चीज को लेके हम लोगों को 100% तरीके से जस्टिस मिलनी चाहिए, जिसके लिए हम लोग सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट की डिमांड कर रहे हैं, जिसमें ये कोई भी ऑफेंस किसी भी हेल्थ केयर वर्कर के लिए कॉग्नाइजेबल पनिशेबल ऑफेंस होगा, नॉन बेलेबल ऑफेंस होगा, जिससे इस तरीके की कोई भी घटना जिसमें वो हम पे किसी भी तरीके का दबाव बनाते हैं, चाहे वो मानसिक दबाव हो या फिर हमारे अगेंस्ट कोई भी वायलेंस हो, कोई भी तरीके की ग्रीवियस हर्ट हो, वो पनिशेबल बाय लॉ हो, और साथ ही उसकी पनिशमेंट जल्दी इन्वेस्टिगेट हो. जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर हो वो डिप्यूटी कमिश्नर से नीचे रैंक का ना हो, और साथ ही एक डिस्ट्रिक्ट कम्युनिटी कमिटी बिठाई जाए जो हर महीने इस तरीके के ऑफेंसेस के लिए जो भी कंपनसेशन है या जो भी एक्शन लेना है वो जल्दी से जल्दी हो. ये अब और डिले नहीं करा जाना चाहिए. हम ऑलरेडी एक बहुत इम्पोर्टेंट डॉक्टर को खो चुके हैं. ये चीज अब और नहीं सही जाएगी, ये चीज माननी होगी. और मुझे ऐसा लगता है ये नीड ऑफ द आर है, नॉट जस्ट फॉर सिक्योरिटी ऑफ द डॉक्टर बट फॉर द सिक्योरिटी
ऑफ आर सोसाइटी इन जनरल, क्योंकि अगर डॉक्टर सेफ नहीं रहेंगे अपने वर्क प्लेस पे तो वो सेवाएं कैसे दे पाएंगे। चलिए, कीर्ति जी भी हमारे साथ जुड़ गई है, उनका मैं रुख करना चाहूंगी। कीर्ति जी, जिस तरीके से हम महिलाओं की सुरक्षा को लेकर बात कर रहे हैं, क्योंकि हम अक्सर यही देखते हैं कि महिलाओं की सुरक्षा के लिए ये काम हो रहा है, वो काम हो रहा है, ये योजनाएं हैं, लेकिन जब इस तरह की घटनाएं सामने निकल कर आती है तो जाहिर सी बात है कि जो महिला है वो कहीं ना कहीं एक बार जरूर सोचती है कि वाकई में क्या हमारी सुरक्षा के लिए कोई काम हो रहा है। उनके मन में सवाल भी होते हैं, चिंता भी होती है जब वो घर से बाहर निकलती हैं और खुद को असुरक्षित भी महसूस करती हैं। मैं ये मानती हूँ कि हर साल, लगभग हर साल कोई ना कोई एक केस रेप का ऐसा आता है कि जब हमारी रूह कांप जाती है। निर्भया का जो केस हुआ था उसके बाद आप सोचिए इतने साल हो गए, उसको न्याय मिलने में कितना वक्त लगा। अब आप सोचिए जब डॉक्टर्स के साथ हो रहा है, वो एक जनरल लड़की थी, निर्भया जो केस था वो एक जनरल लड़की थी, सामान्य लड़की थी, जब उसके साथ ये हुआ तब देश में विरोध होता है, मोमबत्तियां लेकर लोग निकल आते हैं, लेकिन कुछ दिनों बाद वो ठंडा हो जाता है। आपने लिखा है बोलने से बदलेगा, मैं ये मानती हूँ कि बोलने से नहीं, क्योंकि बहुत वक्त हो चुका है, बहुत ज्यादा वक्त हो चुका है हमको इस लड़ाई को लड़ते लड़ते, और हम लोग थक जाते हैं। मोमबत्ती लेकर निकल तो जाते हैं लेकिन हम लोग थक जाते हैं और फिर अपने घरों में बैठ जाते हैं। फिर साल भर बाद या 6 महीने बाद, 2 महीने बाद फिर हमारे सामने एक और केस निकल कर आ जाता है, फिर हम लोग मोमबत्ती पकड़ते हैं, फिर हम लोग शांत हो जाते हैं। लेकिन इन सब चीज से निकलने के लिए हमको बोलना नहीं है, हमको अब चीखना है, चिल्लाना, ये बहुत जरूरी हो चुका है। यदि जरूरत पड़ी, अब आप सोचिए यदि ये जो केस हुआ, कितने सारे सबूत मिटा दिए गए, इवन जो कमरा था, सेमिनार हॉल था, उसको भी तोड़ दिया गया, सबूत पूरे मिटाने की पूरी कोशिश की जा रही है। लेकिन जहां बात आती है शिक्षा की, अब एक बात बताइए कि डॉक्टर्स जिन लोगों ने रेप किया है सब पढ़े लिखे लोग, सब शिक्षित थे। अब बात शिक्षा की नहीं है, अब बात संस्कारों की। यदि हम अपने घरों में ही बच्चों को, स्पेशली लड़कों को संस्कार नहीं देंगे कि महिलाओं की अपने घर में बहन बेटी माँ की हमको रेस्पेक्ट करनी है, तब उसकी नजरों में वो बात कैसे आएगी कि हमको सामने वाली महिला की भी या बच्ची की या लड़की की हमको रेस्पेक्ट करनी है। आप सोचिए गली के साथ इतना बड़ा केस हो जाता है और इतना सारा प्रोटेस्ट हो रहा है, ऑल ओवर इंडिया में हो रहा है, जितनी भी सेलिब्रिटीज आती है, मैं ये मानती हूँ कि दो दो लाइन बोलकर सब लोग पीछे हट जाते हैं, क्यों नहीं वो लोग बिल्कुल एक साथ खड़े रहते हैं कि नहीं, जब तक उस लड़की को या उस बेटी को न्याय नहीं मिलेगा तब तक हम ये जंग लड़ते रहेंगे। आप 4 लाइनें बोलकर इतिश्री कर लेते हो, सबको एकजुट होने की जरूरत है, चाहे वो सेलिब्रिटी हो चाहे वो दूसरा। और मैटर मैं, मतलब मैं पर्सनली ये मानती हूँ कि ये सारे मैटर क्यों सॉल्व नहीं हो पाते हैं, इसमें कानून की कोई गलती नहीं मानती है, इसमें राजनेताओं की मैं गलती मानती हूँ, पॉलिटिक्स है। यदि पॉलिटिक्स हमारी सही हो जाएगी, साफ हो जाएगी, बिल्कुल करप्ट हो जाएगी, आप यकीन मानिए इस पर काम होना शुरू हो जाएगा, महिलाओं के लिए आवाजें उठने जो उठ रही हैं उन पर न्याय मिलना उनको शुरू हो जाएगा। न्याय में देरी, आप सोचिए न्याय में देरी सिर्फ पॉलिटिकल जो इन्फ्लुएंस होता है उसकी वजह से आती है, जो लोग बड़े बड़े लोग बैठे हैं वो लोग इस पर रिजल्ट नहीं आने देते हैं। न्याय हमारा, न्याय बिल्कुल हमारे जितने भी लॉज हैं मैं मानती हूँ बिल्कुल सही काम करते हैं, जस्टिस है, वो पॉलिटिशियन के उसमें आ जाते हैं, प्रेशर में आ जाते हैं, इसीलिए वो लोग डिसीजन नहीं दे पाते हैं। आप उनको फ्री छोड़िए ना कि नहीं, राजनेता फ्री छोड़े, गवर्नमेंट फ्री छोड़े कि नहीं, बिल्कुल पुलिस को फ्री छोड़ा जाए, पुलिस वाले अंडर प्रेशर आ जाते हैं। तो इन सब में कहीं ना कहीं पॉलिटिक्स का बहुत बड़ा रोल होता है। जिस दिन हमारे पॉलिटिक्स देश की सही हो जाएगी उस दिन इन चीजों का रिजल्ट आना शुरू हो जाएगा, और बहुत जरूरी है, क्योंकि वाकई में मैं कई बार डिबेट में बैठ चुकी हूँ लेकिन मैं बिल्कुल हम समझ सकते हैं, बिल्कुल हम सभी महिलाएं हैं, और वो जो घटनाक्रम हुआ उसके बाद अभी तक जो भी तस्वीरें हम देख रहे हैं, उनके मम्मी पापा की तरफ से जो भी बयान आए वो हमने भी सुना, वाकई में हम भी जब इन चीजों को देखते हैं सुनते हैं तो हमारे भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं, क्योंकि लोग जो देखते हैं उनको ये लगता है कि हम सिर्फ खबर बता रहे हैं, लेकिन हम खबर बताने के साथ साथ हमें भी वो चीजें महसूस होती है। एला जी के पास मैं जाना चाहूंगी। एला जी, कई दफा ये भी होता है कि बहुत सारे केसेस होते हैं, जैसे कि निर्भया की माँ आशा देवी का वो बयान मैंने सुना था जिसमें वो कह रही थी कि उनकी बेटी को इंसाफ मिलने में समय लगा, हालांकि मिल गया, लेकिन कई केसेस आज भी ऐसे पेंडिंग पड़े हैं लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती, कोई सुनवाई नहीं होती। और कभी कभी ये भी होता है कि कुछ लड़कियों के साथ ऐसे केसेस भी हो जाते हैं लेकिन उसके बाद वो चुप हो जाती है, क्योंकि उनके दिमाग में ये चीज होती है कि कौन सुनेगा, कहाँ इंसाफ मिलेगा, वो चुपचाप घर पर बैठ जाती है। हाँ, ये तो लॉ की तरफ की बात है, और उससे कोई भी अगर हमें इंसाफ नहीं मिलता है तो हमें डिप्रेशन होगा, स्ट्रेस होगा,
और हमारे को जीवन चलाने के लिए भी बाकी चीजें देखनी होती हैं, तो लड़कियां चुप होके बैठ जाती हैं या परिवार वाले चुप होके बैठ जाते हैं। तो जैसा मैम ने कहा अभी कीर्ति जी ने कि बिल्कुल हमारे सरकारी तंत्र को देखना चाहिए कि ये जो लॉ की प्रक्रिया है, खासकर इसमें जो पनिशमेंट हो रही है उसको हमें ध्यान देना चाहिए। जैसे हम इतना सारा स्टडी करते हैं तो मनोवैज्ञानिक तरीके से मैंने आपको सबसे पहले बताया कि ये तुरंत हमारी सरकार को लागू करना चाहिए। हर स्कूल में पहली कक्षा से लेकर 12वीं कक्षा तक हर लड़की को डिफेंस मैकेनिज्म की ट्रेनिंग देनी ही चाहिए, चाहे वो कोई भी सब्जेक्ट ले, कैसा भी स्कूल हो, प्राइवेट हो चाहे वो गवर्नमेंट स्कूल हो, तो उससे एटलीस्ट हमारी लड़कियां सक्षम रहेंगी। दूसरी चीज़, जैसे दूसरी मैडम ने कहा कि हमें लड़कों की मानसिकता बदलनी पड़ेगी, हम बदल रहे हैं बट वो ये बहुत मुश्किल है। जैसे हर सोसाइटी में हर तरह की पर्सनालिटी होती है, अगर आप कल कुछ क्रिमिनल पर्सनालिटी भी होती है, कई बार हमारे हार्मोनल इम्बैलेंस भी होते हैं जिसके कारण से पुरुष इस तरह की हरकत करता है, तो वो हम नहीं रोक सकते। अगर 100 लोग हैं तो 100 में से जरूर 10 लोग खराब होंगे, अगर 90 लोग अच्छे हैं तो उन 10 लोगों से कैसे निपटा जाए हमें ये देखना है। तो उसके लिए सबसे पहले हमें अपनी हम लेडीज को या हमारी लड़कियों को अपने को बचाने के लिए हमें सक्षम बनना पड़ेगा। दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़, हमारी सरकार को जो हमारे न्याय प्रक्रिया है उसको फास्ट करना पड़ेगा। और तीसरी इम्पॉर्टेंट चीज़, जो सजा हम क्रिमिनल को दे रहे हैं वो इस प्रकार की दें कि ये दहशत होए, जैसे UAE वगैरह में होता है कि वहां पर बिल्कुल पब्लिकली उनको पनिश करा जाता है। तो एक डर, जिसको हम मनोवैज्ञानिक रूप से कह सकते हैं, डर बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। अगर हम इस तरह के एक्शन इन केसेस में लेते हैं और साथ ही साथ हम लड़कियों को स्कूलों से शुरू करके सक्षम बनाते हैं तो हो सकता है 5 साल में। बड़ी अच्छी बात कही आपने एला जी, शायद कानून का वो जो डर है वही खत्म हो चुका है अपराधियों में, शायद यही वजह है कि लगातार घटनाएं होती रह रही हैं। अब मैं वैष्णवी जी के पास जाना चाहूंगी। वैष्णवी जी, डॉक्टरों की तरफ से जो 5 मांगे रखी गई है मैं एक बार और दोहराना चाहूंगी। पहली तो ये कि सुरक्षा के लिए मजबूत केंद्रीय कानून बने, दूसरा ये कि अस्पतालों में एयरपोर्ट की तरह सुरक्षा हो, तीसरी जो मांग रखी गई है वो है रेजिडेंट डॉक्टरों की ड्यूटी के हालात सुधरे, चौथा ये कि कोलकाता केस में तेज जांच हो, और पांचवी मांग रखी गई है कि पीड़ित परिवार को सम्मानजनक मदद मिले। इन 5 मांगों को लेकर मैं आपसे सवाल करना चाहूंगी, लेकिन जल्दी से एक रिपोर्ट दिखा देते, दोबारा आपके पास लौटूंगी। आज रक्षाबंधन है, बहन बेटियां अपने भाइयों से अपनी रक्षा के लिए रक्षा सूत्र बांधती हैं, लेकिन ये जीवन बचाने वाली बहन और बेटियां जो हैं, जो डॉक्टर के रूप में, भगवान के रूप में हमारे बीच में हैं, अब ये सुरक्षित नहीं हैं। इसलिए ये पूरे देश से इस बात की मांग कर रही है कि अब इनकी रक्षा कौन करेगा, लेकिन इनके लगातार आवाज़ उठाने से देश जाग रहा है। NDTV लगातार इनके साथ है, रोज़ खबरें कर रहे हैं और लोगों को जगा रहे हैं, और पूरी उम्मीद इस बात की है कि पूरा देश इन बेटियों के साथ है। हमारे साथ जबलपुर मेडिकल कॉलेज के कुछ डॉक्टर्स हैं, मैं इन्हीं से पूछता हूं कि जो जिस तरह से आप लोग आवाज़ उठा रहे हैं और आपके साथ देश खड़ा हो रहा है, क्या उम्मीद है आपको? नमस्कार, मैं डॉक्टर रुद्रिका भटेले। 15 तारीख की शाम से हमारा जो JDA जबलपुर है, हम सब स्ट्राइक पर थे। हम जो कोलकाता में शर्मनाक हादसा हुआ है उसके अगेंस्ट में प्रोटेस्ट कर रहे हैं, पीसफुल प्रोटेस्ट है कि जो डॉक्टर, फीमेल जूनियर डॉक्टर जो ऑन ड्यूटी अपना काम कर रही थी, उनके साथ जो हादसा हुआ उसके लिए उसको न्याय मिल सके और सारे डॉक्टर्स को सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट मिल सके, ताकि ये घटनाएं दोबारा करने के पहले कोई भी आदमी 10 बार सोचे। देखिए, रंग बिरंगी राखियां बांधी जाती हैं अब मेरे भैया लिखकर, और बहुत सारे बहनें अपनी राखियां खुद बनाती हैं रंग बिरंगी, लेकिन आज देश को काली राखी बांधना पड़ रही है। ये सारे डॉक्टर्स जो है ये एक काली पट्टी बांधे हैं जो प्रतीक है इस शोक का, इस क्रोध का और इस गुस्से का, तो इन्होंने काली राखी बांधी है। तो अब देश को सोचना पड़ेगा कि इन इन डॉक्टर्स के साथ हमें खड़े होना है। क्या चाहते हो आप? नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर वैशाली चांदवानी है।
मैं ये बोलना चाहती हूँ कि आज रक्षाबंधन है और आज के दिन हमें इस तरह से एक प्रोटेस्ट करना पड़ रहा है देश की महिलाओं की सुरक्षा के लिए। ये काफ़ी शर्मनाक बात है, भारत के 78 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस के बाद भी आज नारियों को अपने सम्मान के लिए लड़ना पड़ रहा है। ये कोई गर्व की बात नहीं है हमारे लिए। सर हम यही चाहते हैं कि जो भी इस गुनाह में इन्वॉल्व थे उनको सख्त से सख्त सज़ा दी जाए, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि सिर्फ जो आम लोग हैं, जो 3-4 लोगों का नाम सामने आया, सिर्फ वो लोग इन्वॉल्व नहीं हैं, बहुत बड़ी बड़ी पावर्स इसमें इन्वॉल्व हैं। जैसे कि हमारे जो वेस्ट बंगाल के आरजीकर मेडिकल कॉलेज के जो हमारे बैचमेट्स थे वो सब प्रोटेस्ट कर रहे थे, उनकी प्रोटेस्ट साइट को 15 अगस्त की रात को एक बहुत बड़ा मॉब आया, अराउंड 7,000 लोग थे, वो पूरा मॉब आके वो प्रोटेस्ट साइट को भी डिस्ट्रॉय करके चला गया। अब इतना बड़ा 7,000 का मॉब आ रहा है तो पुलिस की इंटेलिजेंस कहाँ थी, उन्हें कानो कान खबर नहीं हुई क्या कि इतना बड़ा मॉब आ रहा है? सो देयर हैज़ टू बी कि एक बहुत बड़े पावर्स जो हैं वो लोग इसमें इन्वॉल्व होते हैं, और हम चाहते हैं इन सबका नाम सामने आए और इन सबको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। बिल्कुल, जो भी इस मामले में किसी भी तरह से छोटा या बड़ा किसी भी मामले में दोषी है उन्हें कड़ी से कड़ी सजा दी जानी चाहिए। ये मांग सिर्फ हमारे डॉक्टर भाइयों की नहीं है, ये पूरे देश की मांग है। NDTV सदैव इनके साथ है, हम रोज इनके साथ आ रहे हैं ताकि इनकी आवाज़ बुलंद हो सके। वीरेन शर्मा के साथ संजीव चौधरी, NDTV के लिए। चलिए वैष्णवी जी से मेरा सवाल अधूरा रह गया था। वैष्णवी जी, 5 मांगे जो डॉक्टरों की तरफ से की जा रही है, हम भी यही चाहेंगे कि इन मांगों पर जरूर गौर किया जाए, इन मांगों को माना जाए, क्योंकि डॉक्टरों को अगर सुरक्षित रखना है तो ये मांगे माननी पड़ेंगी। वैष्णवी जी, ये सारी मांगे बहुत जरूरी हैं और बहुत ही बेसिक मांगे हैं जो शायद अभी तक पूरी हो जानी चाहिए थी। सिर्फ कहने के लिए ये कहना कि हाँ हम सुरक्षा देंगे, उस चीज को लेके अभी तक कोई भी ऐसा हम लोगों को एग्जाम्पल नहीं मिला है जिससे हमें ये लगे कि नहीं ये सारी चीजें मानी जाएंगी और आगे ऐसे हादसे नहीं होंगे। इसीलिए ही बार बार ये सारी चीजें हम बार बार दोहरा रहे हैं और ये 5 डिमांड्स में जो भी सारी डिमांड है सारी सिर्फ सिक्योरिटी और प्रोटेक्शन, जो एक बेसिक राइट है, कहीं भी किसी भी जगह जब आप अपनी सेवाएं दे रहे हैं वो आपको मिलनी चाहिए, सिर्फ उसी से रिलेटेड सारी डिमांड्स हैं। और बार बार यही कहूंगी कि ये स्ट्राइक जो है ये सिर्फ डॉक्टर्स के लिए नहीं है, ये इन जनरल सारे समाज के लिए है, क्योंकि आप समझे कि हमारी सेवाएं जो हैं, जो डॉक्टर्स काम करते हैं, जो हेल्थ केयर वर्कर्स सारे काम करते हैं, वो अल्टीमेटली सोसाइटी के लिए ही करते हैं। ये एक सोशल कॉज है जो सबको जरूरी है और सबको उसके लिए आवाज उठानी चाहिए, सबको इसमें हमारा साथ देना चाहिए। बिल्कुल, इसमें साथ देना चाहिए और इसीलिए हम इस पर बातचीत भी कर रहे थे वैष्णवी जी कि यहाँ पर इंसाफ की जरूरत है। हम भी यही चाहते हैं कि जल्द से जल्द कोलकाता में ये जो पूरा मामला हुआ इसमें इंसाफ मिले और जो जांच चल रही है उसमें भी तेजी आए। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।